नमस्कार, मैं आरती पवारा स्कूल कॉलेज कोमा एट हाली उत्तरकाशी से। आप मेरे मार्गदर्शक श्री राजेश ज्योति साय अध्यापक विज्ञान। मेरा जो मुख्य विषय है वो भावी परिवहन एवं संचार, और इसमें जो हमने अपने उप विषय के रूप में लिया है वो भावी परिवहन स्वच्छता एवं स्वास्थ्य। और मैंने जो इसमें अपने वैज्ञानिक सिद्धांतों को लेकर जिस प्रदर्शन को बनाया है वो है, पहला है सौर ऊर्जा के का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, और विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। इसका जो चौथा वैज्ञानिक सिद्धांत है वो है बायोगैस का निर्माण, यानी कि मानव मल से बायोगैस का निर्माण। और इसमें जो मैंने पांचवा अपना वैज्ञानिक सिद्धांत हमने इस्तेमाल किया है वो है स्मॉग फ्री टावर का निर्माण। और इसमें जो वैज्ञानिक सिद्धांत है वो है हमारा वायु का शुद्धिकरण। तो आइए मैं आपको अपने प्रदेश के बारे में विस्तार से समझाती हूँ। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज दिन प्रतिदिन देश की जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है हमारे यातायात के साधन यानी कि गाड़ियाँ, और बहुत ज्यादा हमारी दिन प्रतिदिन हमारी रोडों पर बढ़ता जा रहा है जाम। तो इसकी समस्या का निवारण करने के लिए हमने यहाँ पे तिमंजला फ्लाईओवर का इस्तेमाल निर्माण किया है। और तिमंजला फ्लाईओवर के निर्माण के माध्यम से हमने यह बताने की कोशिश की कैसे हम जाम की समस्या का निवारण कर सकते हैं। जैसे जिसको मेन मार्केट में जाना होगा वो तो मेन रोड से जाएगा, जैसे कि आम रोड में हम नॉर्मली इसमें आज वर्तमान में हम जा रहे हैं। और जिसको एक छोटी सी बस्ती से दूसरी छोटी सी बस्ती में जाना होगा वो सेकंड वाले फ्लाईओवर का यूज करेगा, और जिसे एरिया से बाईपास जाना होगा वो थर्ड वाले फ्लाईओवर का यूज करेगा। इस तरह से हमारा जो ट्रैफिक है वो चारों रोड पे बढ़ जाएगा, और हम अपने ट्रैफिक के जो जाम लग रहा है वो कंट्रोल कर पाएंगे। वर्तमान और भविष्य में होने वाली सबसे बड़ी समस्या के रूप में हम इसे देख सकते हैं और देख रहे हैं वो है पेट्रोल की कमी और डीजल की कमी। शायद ही हम आगे अपने लिए पेट्रोल और डीजल को बचा पाएंगे जिस तरह से हमारी गाड़ियों का निर्माण हो रहा है। तो इसकी समस्या का निवारण करने के लिए हमने यहाँ पे सोलर रोड का निर्माण किया है, क्योंकि जो हमारी सबसे बड़ी ऊर्जा का जो हमारे स्रोत है वो है सूर्य। तो इसी की ऊर्जा का हमने उपयोग गाड़ियों को चलाने के लिए किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि आज हमारी जो वर्तमान है उसमें इलेक्ट्रिसिटी चलने वाली गाड़ियाँ आज उतर चुकी हैं सड़कों पर, और वो कार्य भी कर रही हैं। उसका यूज करेंगे तो हमारी बिजली की खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसी का निर्माण के लिए हमने यहाँ पे सोलर रोड का निर्माण किया है। सोलर रोड की वजह से हमारी चार्ज होगी, वो हमारी ऊर्जा जो है सोलर रोड से बनी वो सोलर रिटेल सेंटर में एकत्रित होगी। इस यहाँ पे जो हमारी सोलर रोड से बनी ऊर्जा होगी वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे कि हम आज वर्तमान में हम पेट्रोल पंप के पास जाते हैं पेट्रोल भराने के, वैसे ही हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी चलने वाली गाड़ियों को सोलर रिटेल सेंटर के पास लेके आएंगे उनको चार्ज कराने के लिए। और एक बार चार्ज होने के बाद हमारी जो गाड़ी है वो लगभग 300 किलोमीटर तक आराम कर सकती है। तो इस तरह से हमें निश्चित दूरी पर बनाने होंगे हमारे सोलर रिफिल सेंटर। और अगर इमरजेंसी में उनका चार्ज खत्म हो जाता है तो उसके लिए हमने यहाँ पे सोलर प्लेट लगाए हैं उनकी छतों के ऊपर, ताकि वो इमरजेंसी में अपने आप को चार्ज कर पाए। पहला फायदा तो ये होगा कि ट्रैफिक जाम जैसी समस्या का निवारण कर पाएंगे। उसके बाद हमारी सोलर रोड बनी है उससे जो गाड़ियाँ चलेंगी उससे हमारा प्रदूषण भी नहीं होगा, तो हम प्रदूषण को भी इससे कंट्रोल कर पाएंगे। और अदरवाइज जो हमारे सोलर रोड ऊर्जा बनेगी उसका हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करके शहर को भी अपनी बिजली सप्लाई कर पाएंगे, इसके माध्यम से हम बिजली की खपत को भी बचा पाएंगे। और अब आता है हमारा अदरवाइज पोल्यूशन होता है, क्योंकि वैसे तो जब सोलर रोड बनेगी और सोलर ऊर्जा से गाड़ियां चलेंगी तो प्रदूषण नहीं होगा, बट जैसे कि हमारी गाड़ियों का निर्माण होता है फैक्ट्रियों के माध्यम से धुआं आता है, उसके माध्यम से बहुत बड़ी समस्या जो स्मॉग के रूप में हमारे दिल्ली जैसे शहरों में बहुत ज्यादा आज वर्तमान और भविष्य में दोनों में हो सकती है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे स्मॉग टावर बनाने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से हम जो हमारी स्मॉग युक्त वायु होगी उसका हम शुद्धिकरण कर पाएंगे। स्मॉग फ्री टावर जो होगा वो हमारी अशुद्ध वायु को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और उसके नीचे जो हमारे फिल्टर लगे होंगे वो वायु को शुद्ध करके वातावरण में भेज देंगे, जिसके माध्यम से वहाँ की जो वायु होगी वो शुद्ध हो जाएगी। और उसके बाद जो उसमें कार्बन बचेगा उसको हम शुद्धिकरण करके उसको हम ग्रेफाइट बना सकते हैं, और हीरे की पुष्कर जैसी चीज़ों में हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, इससे हमारे आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। अब आता है जो हमारे नीचे वाला सिस्टम, हमारी रेलवे लाइन की सुविधाएं है वहाँ पे हम कैसे लोगों को प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें यहाँ पे हमने अंडरग्राउंड मेट्रो का इस्तेमाल किया है। अंडरग्राउंड मेट्रो उस जगह पे हम रेलवे लाइन का निर्माण कर पाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उसके बाद आता है जो हमारा यात्रियों के माध्यम से जो विसर्जन किया जाता है वो रेलवे पटरियों पे इस तरह खुले सिस्टम से विसर्जन किया जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। उसके निवारण के लिए हमने यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का इस्तेमाल किया है, जिसके माध्यम से हम जो यात्रियों के द्वारा मल और मूत्र का विसर्जन किया जाता है उसका हम एक अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमने बनाया है, जो हमारी ट्रेन होगी उस पर हम अलग अलग दो चैम्बर बनाएंगे, इसमें मल और मूत्र
अलग अलग चैम्बरों में एकत्रित होगा और जैसे ही हमारी जो स्टेशन पे बनी चैम्बर है जहाँ पे गाड़ियाँ जहाँ पे जो हमारी ट्रेन है वो रुकी है वहाँ पे जैसे ही ट्रेन हमारी रुकेगी हमारे जो स्टेशन पे बने चैम्बर होंगे बायो मूत्र और मल अलग अलग जो चैम्बर होंगे उस पर हम इकट्ठा कर लेंगे जो हमारी यात्रियों के द्वारा विसर्जन किया होगा और उसके बाद जो हमारे मल वाला भाग होगा उसको हम बायोगैस के निर्माण के लिए भेज देंगे। जब बायोगैस बनेगी तो उसका उपयोग हम खाना बनाने के लिए कर सकते हैं जिसका जिसके माध्यम से हम एलपीजी की बचत भी कर पाएंगे और उसके बाद जो हमारे मल का भाग बचेगा उसको हम 3-4 महीनों के बाद गला के और सुखा के उसका हम कृषक के लिए यानी कि खाद के रूप में उसका हम प्रयोग कर पाएंगे। उसके बाद अगर जो हमारा मूत्र वाला भाग होगा उसको हम यूरिन ट्रीटमेंट में भेज करके उसका ट्रीटमेंट करके हम मेडिकल इंडस्ट्री को और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को हम अपना यूरिन सप्लाई कर पाएंगे। इस ये था मेरे प्रदेश जिसके माध्यम से मैंने अपनी 3 हमारे जो वर्तमान और भविष्य में होने वाली 3 समस्या है उनका निवारण हमने एक ही प्रदेश के माध्यम से करने किया है। जो कि पहला जो हमारे है वो है ट्रैफिक जाम जैसी बहुत बड़ी समस्या, इसका निवारण हमने फ्लाईओवर के माध्यम से किया है। और उसके बाद आता है हमारा जो पेट्रोल डीजल की कमी हो रही है उसका निवारण हमने यहाँ पे 16 करोड़ का निर्माण करके किया है। और उसके बाद आता है जो हमारा प्रदूषण हो रहा है तो इसका निवारण हमने स्मॉग टावर बना के और नीचे वाला सिस्टम बायोगैस का निर्माण और यूरिन ट्रीटमेंट का निर्माण करके किया है। तो ये था मेरे प्रदेश, धन्यवाद।